कैसा लगा घातक भाई को मिलकर? अरे भाई, घातक भाई से तो मिले थे अभी पहले भी, बहुत बढ़िया लगा भाई। बहुत पतले हो गए यार घातक भाई, क्या हो गया यार? गुजराती के हमारे यहाँ पर आ जाओ 10 दिन, हम गुजराती लोग तुमको ऐसा ढोकला खिलाएंगे, थेपला खिलाएंगे कि वापस थोड़े हेल्दी हो जाओगे। वैसे डाइट चल रही है उनकी तो गुड यार, हेल्दी हेल्दी जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बट यस घातक भाई, ओपन इन्विटेशन है मेरे तरफ से, एक बार आओ। मैं तो बोलता हूँ पूरे रेवेनेंट टीएक्स को एक बार ओपन इन्विटेशन है, सभी लोग इस गुजराती के घर पे खाना खाने आओ। एंड हमें गुजराती लोगों, तो हमने निराश नहीं करसू, पाछा नहीं पड़सू, टेंशन नहीं लियो भाई। ऑनेस्टली एक चीज आप लोग को बताऊं, मैं कितनी सारी चीजें हो रही है अभी इस मोमेंट पर, एंड आई रियली लाइक दिस। यूज शाउट आउट सबसे पहले भाई, सबसे पहले मुझे सबसे पहले थैंक करना है हमारे रेवेनेंट के ओनर को, रोहित जगासिया, जिन्होंने इतने सारे कार्ड्स पुल करे हैं अभी रिसेंटली इन कुछ महीनों में। भाई पोकेमोन की लाइनअप आ गई, स्काउट रेवेनेंट में आ गई, उनकी लाइनअप रेवेनेंट में आ गई, सब लोग मिलकर ये मीटअप पुल ऑफ करा अभी उन्होंने, स्मैश कट करा। ऊपर से उनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें भी चल रही है अभी, जो कि आई डोंट मैं अभी रिवील कर सकता हूँ। बट ये सारी चीज़ें करने के बावजूद, इतने सारे कार्ड्स पुल करने के बावजूद, वो इतने डाउन टू अर्थ, रियल में आके सबसे इतना मिलते हैं एंड चिल रहते हैं यार, तो उनसे सीखने काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओनर है तो मैं थोड़ा सा तारीफ करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में ऐसा है। एंड दूसरी बात यह है कि स्काउट वगैरह से हम लोग मिले वहाँ पर मीटअप में, वहाँ पर इतने सारे लोगों से मिले। ऑल्सो मैं वंशज से, मैं पहली बार मैंने वंशज को देखा। मैंने खाली मैं देखो यार, प्ले ग्राउंड वगैरह इतना डिटेल में फॉलो नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है प्ले ग्राउंड। एंड मेरे को बिल्कुल भी मतलब मैं देखा नहीं है प्ले ग्राउंड, बट मैंने वंशज को पहली बार देखा, तभी पता नहीं था मुझे कि ही इज़ गोइंग टू बी इन द रेवेनेंट। बट फिर फाइनली रोहित भाई आए, बातचीत हुई वगैरह, तो उसके बाद उसका भी फाइनल हो चुका है अब रेवेनेंट टीएक्स पार्क के अंदर। तो भाई लोग, आई थिंक ऊपर से अभी ईगल गेमिंग भी आ गए हमारे, तो ओवरऑल देखा जाए तो बीटी, अल्फा, ईगल गेमिंग, सॉल्टी, मोगैम्बो, क्रिस, ये 6 लोग तो हम क्रिएटर्स में हो गए हैं। एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट, ये सारी चीजें के बीच में गाइस, हम लोगों ने अपने कंटेंट को लेकर इतना ज्यादा रेगुलर हो चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोग सूरत गए। सूरत में हम लोग ने फर्स्ट डे, फर्स्ट नवरात्रि का पहला दिन एक्सपीरियंस सूरत का डाला, जिसपे अच्छे खासे व्यूज गए। उसके बाद हम लोग ने कौन सा वीडियो डाला था सूरत के बाद? हम लोग ने डाला था मकबैंग वीडियो, जिसमें कनिका और बीटी का भी थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट था, बीटी का ज्यादा था। कनिका बीटी के साथ हम लोग ने वीडियो डाला मकबैंग वीडियो, वो भी आप लोग को बहुत पसंद आया। अगर आप लोग को देखना है मकबैंग वीडियो और भी रेवेनेंट के लोगों के साथ, रेवेनेंट और टीएक्स के लोगों के साथ, मुझे चैट में बताओ ना गाइस, तो मुझे समझ में आएगा ना गाइस, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा सारा कंटेंट बनाने में। सबसे पहले तो आप लोग मुझे चैट में ये बताओ कि क्या आप लोग को मकबैंग वीडियो देखना है रेवेनेंट टीएक्स के साथ, ठीक है। सो हम लोग ने सबसे पहले सूरत किया, फिर मकबैंग वीडियो किया, फिर हम लोग ने सिक्योरिटी गार्ड किया, 24 आवर्स बींग अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, तो वो भी बहुत जबरदस्त चला। उसके बाद हम लोग ने डेथ कंपाइलेशन डाला, एंड उसके बाद हम लोग ने अभी व्लॉग किया है, जो कि इतना ज्यादा जबरदस्त चल रहा है। 60,000 व्यूज मैंने लास्ट टाइम देखे थे, तभी ऑलरेडी हो गए थे। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हमारा कंटेंट लाइन चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, हम लोग प्रॉपर फोकस कर रहे हैं। ऊपर से आज हम लोग ने एक रील भी डाली है हमारे टीएक्स बॉयज के साथ, तो जरूर देखना। एंड ऑल्सो भाई लोग, यस 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 टीएक्स के साथ, यस भाई, देखो मैं तो कहता हूँ भाई, वॉट इफ हम लोग सब लोग एक बार एकदम मस्त डाइट वाइट करें 1 हफ्ता, और फिर एक संडे बैठे पूरे रेवेनेंट के लोग, जितने भी आ पाए उतने, मतलब अल्फा, सोचो वॉट इफ अगर लाइनअप ऐसा हो, अल्फा, स्काउट, सेंसे, और मे बी प्रो, और कौन चाहते हो आप लोग अंदर से? वॉट इफ वो क्रिस, जो हमारे नई फीमेल क्रिएटर है, वो भाई, ये 4 लोग मिलकर भी अगर खाना खाएंगे, क्या मजेदार कंटेंट निकलेगा यार। इट्स जस्ट अ सिंपल मकबांग वीडियो गाइस, हमें सिर्फ खाना है बस, और अपनी मस्ती निकालनी है और कुछ नहीं। काश दीदी आ जाए फिर तो, अरे अभी फिलहाल तो वो सोल में है, आई डोंट नो कैसा क्या है कॉन्टेंट को लेकर, आई रियली डोंट नो, आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में। और सिर्फ घातक भाई हमारे आगे थे भाई, क्या मजे आए हैं, जो जो चीजें सबने डिस्कस करी है, इतने लोग आए थे भाई, मजा आ गया, लिटरली वीआईपी रूम भर गया था गाइस, 5:30 बजे तक आसपास इवेंट चालू हुआ था, तो ऐसी सारी चीजें हुई। एंड ऑल्सो गाइस, अब आई एम वेरी मच रेडी फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी इन रेवेनेंट टीएक्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन, क्योंकि भाई मैं रेडी हूँ यार। मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने जो मेरा माइंडसेट, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, फाड़ने वाले हैं हम लोग भाई, लिटरली फाड़ने वाले हैं। अल्फा भाई, अब एक तरफा कॉन्टेंट चाहिए भाई, बस यार आप लोग सपोर्ट करते रहो, सारी टीएक्स रेवेनेंट की पब्लिक अपने को सपोर्ट करते रहे, थोड़ा सा मोटिवेशन लग जाएगा ना भाई, मेरी पटरी सीधा ट्रेन में आ जाएगी, आई मीन मेरी ट्रेन सीधी पटरी पे आ जाएंगी। वेलकम भाई, व्यूज ऑन स्काउट एक्स घातक भाई, ऑब्वियसली
देखो स्काउट ने काइंड ऑफ एक मेंटर रोल ले लिया है अपनी टीम के लिए। घातक भाई को भी बहुत ज़्यादा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। पहले तो क्या था, ऑन कैमरा रहते थे हमेशा गॉड लाइक के टाइम पे। अब क्या है, बैक एंड पे शांत, जो शेर ने 2 कदम पीछे ले लिए अभी, ऐसा मैं कह सकता हूँ घातक भाई के लिए, कि शेर ने, कि हमारे शेर इज इक्वल टू घातक भाई, इन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए थे गॉड लाइक से निकलने के बाद, और शांति से उन्होंने इतनी सारी चीजें पीछे सेटअप करी है ट्राइडेंट गेमिंग के अंदर ना, कि भाई बहुत अच्छा लगता है यार इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। एंड अब वो वापस फ्रंट फेस आ रहे हैं टू सपोर्ट रेवेनेंट टी एक्स पार्क, रेवेनेंट टीम एक्स पार्क। वही है जो मैं सोच रहा हूँ, सारे क्रिएटर्स मिलकर अगर हाथों में हाथ डाल के सही से कॉन्टेंट बनाए ना भाई, लिटरली वी आर गोइंग टू डू वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, और क्रिएटर आ रहे हैं कि अल्फा भाई, जल्दी पता चलेगा आप लोगों को, बट फिलहाल ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर आ चुके हैं कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक कॉन्टेंट विद देम। मैं इस स्ट्रीम के बाद है ना एक बार वंशज को मैसेज भी कर दूंगा कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर। ठीक है, स्काउट के साथ खेलो, स्काउट भाई के साथ खेलना तो अभी मुझे भी प्लान है, बट फिलहाल बात करनी पड़ेगी मुझे स्काउट भाई के साथ खेलने के लिए। क्या खेल रहे हैं अभी, क्या कुछ स्ट्रीम कर रहे हैं स्काउट भाई? यार स्काउट भाई ने लाइव, वैसे स्काउट ने लाइव कम कर दिया, स्काउट भाई कैसे बोलने लगा, स्काउट ने लाइव बहुत कम कर दिया है भाई। हम लोग इतने टाइम बाद मिले, इतने सारे लोग बेचारे, जैसे ही वो आया यार रूम के अंदर, थोड़ा सा लेट एंट्री करी थी, बट जैसे ही स्काउट रूम के अंदर आया ना भाई, इतने सारे फैंस जो वीआईपी टिकट लेकर आए हैं वो सेल्फी निकालने लगे, इतने सारे लोग मिलने गए भाई। मुझे तो बहुत ऐसा लगा कि यार इस बंदे को थोड़ा सांस लेने दो, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था। थोड़ा जब फ्री हुआ वो खुद ही पास में आके बैठा, तब मैंने बोला कि अब सांस ले ले, पानी पी ले, फिर थोड़ा व्लॉग किया हम लोगों ने एंड हैंडशेक किया, इट वॉज गुड। एंड आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट कॉन्टेंट विद टीम एक्स पार्क, स्काउट, हमारे रेवेनेंट के लोग एंड हमारे रेवेनेंट बूट कैंप के अंदर। ठीक है अल्फा भाई, लॉकडाउन प्रोटोकॉल खेलो स्काउट भाई के साथ। यार एक बनाता हूँ यार, मैं तो कहता हूँ एक मैसेज करता हूँ मैं स्काउट भाई को, थोड़ा सा अगर हफ्ते में एक बार भी अगर मस्त वीडियो स्ट्रीम कुछ भी हो पाए तो मज़ा आ जाएगा। बट इट्स ऑल अप टू, ये सारी चीज़ें हुई ओवरऑल पिछले मीटअप में। एंड हाँ, जैसे ही खाना पीना खा लिया उसके बाद वापस फोटो, उसके बाद जी वाले लोग आ गए, उसके बाद सब उन सबसे मिले, उसके बाद इंडस वाले भी हैं वहाँ पर थे उन सबसे मिले। एंड जैसे ही सबका मिलना हो इवेंट चालू हो गया 5:30 बजे भाई, हमारे सॉल्टी ब्रो, सॉल्टी ने जो 3-4 घंटे में जो इतनी कास्टिंग करी है वहाँ पर, होस्टिंग करी है पूरे इवेंट की भाई, उसको देखकर सच में भाई सल्यूट है यार। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से यार थोड़ा बहुत एसी वगैरह होता है यार कहीं से, तो कुछ तो जगह नहीं थी एसी वगैरह लगाने की, बट पूरा पसीने पसीने हो गया था। एंड शाउट आउट टू हिम यार, बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग करी, इतने आवाज़ से ज़बरदस्त। बाकी हमारा तो क्या था, थोड़ा थोड़ा सेगमेंट था कि हलो 5 मिनट आ गए फिर वापस चले गए, 10 मिनट आ गए फिर और कोई आ गया, तो ये सारा ज़बरदस्त चीज़ें हुआ। ये सारी चीज़ें आपको बिहाइंड द सीन्स पता नहीं चलेगी जब तक हम लोग बताएंगे नहीं आप लोग को। न्यू बूट कैंप होगा क्या RNDTX का, सारी चीजें आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगी। शुभम थैंक यू सो मच, एंड बीजे में वाला थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। गाइस अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अल्फा इन नटशेल पे हर अल्टरनेट डे शाम को 6 बजे एक वीडियो आने वाला है, लेट्स गो।